अम्बासरी पुलिस ने अमरावती मार्ग चर्चित डॉकयार्ड कैफे में चल रहे हुक्का पार्लर पर छापा मारा है। पुलिस ने पार्लर के मैनेजर को हिरासत में लेकर उसके संचालक और हुक्का की आपूर्ति करने वाले पर भी मामला दर्ज किया है। अमरावती मार्ग के कैंपस चौक के पास डॉकयार्ड हुक्का पार्लर है। यह हुक्का पार्लर हमेशा ही चर्चा में रहा है। पुलिस की कार्रवाई करने के कुछ दिन बाद आरम्भ हो जाता है। कुख्यात अपराधी पप्पू इससे जुड़ा हुआ है। डेढ़ माह पहले पप्पू गैंग की हुक्का पार्लर में भागीदारी को लेकर प्रतिद्वंदी गुप्ता गैंग से मारपीट भी हुई थी। पप्पू और उसके साथियों ने गुप्ता की गोंदिया निवासी गर्लफ्रेंड की पिटाई भी की थी। इसके बाद कुछ दिन के लिए पुलिस ने पार्लर को बंद कर दिया था। बाद में जस के तस हालात हो गए। कल रात को मैं और मेरी पुलिस स्टेशन की टीम और डीबी पथक हम लोग पुलिस स्टेशन में एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी हमको जानकारी मिला कि डॉकयार्ड नाम का जो पब है यहाँ पे कुछ लोग कोट पायक का भंग करके काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने जब वहाँ पे रेड कार्रवाई किया तभी हमको वहाँ पे कुछ कस्टमर हुक्का पीते वक्त नज़र आए। तभी हमने स्टाफ के साथ में रेड कार्रवाई करने के बाद में हमने उनको ताबे में लिया और उसमें हमको 5 पॉट मिला है और उसके अंदर जो बैन किया हुआ टोबैको है वो उसमें इस्तेमाल किया हुआ मिला है। पूरा हमने प्रॉपर्टी सब सीज करके पंचनामा बना के साथ में लाया है। तभी हमको ये मालूम पड़ा कि उसको चलाने वाला जो था उसका मैनेजर अभिलाष गौतम भावे और वो रहने वाला ये अंबाजरी है, अम्बेडकर पुतले के पास है, और उसका जो मालिक है अतुल राय वो वहाँ पे मिला नहीं, उसमें वो वांटेड आरोपी में उसका नाम डाला है। और जो एक लड़का था जो सप्लायर था उसका नाम है अमित राजू कंगाले, ये रामनगर केलंगखेड़ी में रहने वाला है। तीनों के ऊपर हमने कोटपा एक्ट सेक्शन 4A और सेक्शन 21A के तहत हमने FIR रजिस्टर किया है और दोनों आरोपी को हमने हिरासत में लेके उनके ऊपर हमने कानूनी कार्रवाई किया है। इसके अंदर हमने टोटल 3 आरोपी को हमने ऊपर कार्रवाई किया है और कुल मिला के 8,025 रुपये का टोटल मुद्देमाल हमने हस्तगत किया है और सब हमने पंचनामा बना के कार्रवाई किया है। आगे की कार्रवाई हम FSL में भेज के उपरंत कार्रवाई हम कर रहे हैं। अम्बाजरी पुलिस को बुधवार की रात पार्लर में प्रतिबंधित हुक्का पिलाए जाने का पता चला। इसके आधार पर PI विनायक गोले की अगुवाई में छापा मारकर मैनेजर अभिलाष गौतम भावे को पकड़ा गया। पार्लर से हुक्का पॉट तंबाकू सहित 8,000 रुपए का माल बरामद किया गया। पुलिस ने पार्लर के संचालक यश अतुल रॉय, गणेश पेट निवासी और हुक्का की आपूर्ति करने वाले अमित राजू कंगाले रामनगर निवासी को भी आरोपी बनाया है। सूत्रों के अनुसार पार्लर में हमेशा अम्बाजरी थाना परिसर के अपराधियों का मजमा रहता है। पप्पू और गुप्ता गैंग के बीच हुई गैंगवार को भी पुलिस ने हल्के से लिया था। यदि उसी वक्त सख्त कार्रवाई की गई होती तो अपराधियों को सिर उठाने का मौका नहीं मिलता। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।